जय हिंद दोस्तों, प्रॉपर्टी कवरेज पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो प्रोजेक्ट देखने वाले हैं वो नवी मुंबई के वेल एक्सपीरियंस बिल्डर सखा ग्रुप का है, जिनका कंस्ट्रक्शन में 30 साल का एक्सपीरियंस रहा है और इन 30 सालों में इनके 50 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और आज की तारीख में नवी मुंबई के द्रोणागिरी में इनके 3 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है और इसी के साथ उल्वे में भी इनका एक नया प्रोजेक्ट जल्द ही लॉन्च होने वाला है। और आज हम जो प्रोजेक्ट देखने वाले हैं उसका नाम देव सका है, जिसका साइट एड्रेस प्लॉट नंबर 140 सेक्टर 50 द्रोणागिरी नवी मुंबई है। आइए अब बात करते हैं प्रोजेक्ट हाईलाइट की। तो ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, वो G+14 स्टोरेज रेसिडेंशियल और कमर्शियल टावर है। अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें 1 BHK, 2 BHK और कमर्शियल शॉप्स अवेलेबल है। इम्यूनिटीज की अगर हम बात करें तो इस प्रोजेक्ट में सफिशियंट पार्किंग स्पेस, जिम, गार्डन, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, इंडोर गेम्स और क्लब हाउस है। इसके अलावा इस पूरे प्रोजेक्ट को CCTV सर्विलेंस से कवर किया जाने वाला है। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है वो क्लियर टाइटल सिडको ट्रांसफर प्लॉट पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जिसका रेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। स्क्रीन पर दिखाए गए रेरा नंबर के जरिए आप गवर्नमेंट के वेबसाइट पर जाकर इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। लोन की अगर हम बात करें तो ये प्रोजेक्ट SBI, HDFC, ICICI बैंक से अप्रूव किया गया है, लेकिन इसके अलावा आप और किसी भी बैंक से अगर लोन करवाना चाहते हैं तो आप कहीं से भी लोन करवा सकते हैं। और अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल है तो आप इस प्रोजेक्ट में उस स्कीम का भी फायदा ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कनेक्टिविटी। तो दोस्तों, द्रोणागिरी रेलवे स्टेशन जो अभी के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो इस प्रोजेक्ट से सिर्फ 4 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पे है। वैसे अभी के लिए वाशी, बेलापुर, पनवेल से द्रोणागिरी के लिए उरन बस आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा मुंबई के भाउचा धक्का से आप उरन मोरा तक बोट से भी आ सकते हैं, जहां से द्रोणागिरी के लिए ऑटो मिल जाती है। वैसे मुंबई से द्रोणागिरी का बाय रोड डिस्टेंस काफी कम होने वाला है, क्योंकि मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला सीलिंग जल्द ही बनने वाला है। और इसी के साथ जो नवी मुंबई एयरपोर्ट बन रहा है वो इस प्रोजेक्ट से सिर्फ 20 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। प्रोजेक्ट कम्प्लीशन की अगर हम बात करें तो ये प्रोजेक्ट अभी लेंथ लेवल पर है, जिसका पोजीशन 2023 में है। इस प्रोजेक्ट का प्लॉट लोकेशन जो है वो 22/30 मीटर वाइड रोड पर है, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट के दोनों तरफ से फ्रंट फेसिंग व्यू मिल जाता है। और कॉर्नर प्लॉट होने की वजह से इस सर्कल पर फ्यूचर में काफी अच्छा मार्केट डेवलप होने वाला है। इनका जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसका कंस्ट्रक्शन 50% तक हो चुका है और जो तीसरा प्रोजेक्ट है वो अगले 6 महीने में कंप्लीट होने वाला है। अगर आप साइट विजिट करना चाहते हैं तो गूगल मैप लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिसके जरिए आप प्रोजेक्ट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। प्राइजेस की अगर हम बात करें तो इस प्रोजेक्ट में 1 BHK अप्रोक्सीमेटली 45 लाख रुपीज ऑनवर्ड्स है, 2 BHK 65 लाख रुपीज ऑनवर्ड्स है और शॉप भी इसमें 65 लाख रुपीज से ऑनवर्ड्स है। तो आज का प्रोजेक्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर रिक्वायर्ड है तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर जाकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी वीडियो में अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।